अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है सुबानी लियास। की हाल चाल है? होप सो यू आर डूइंग ग्रेट। राइट नाउ हम लोग बालाकोट पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं टूरिज्म कंपनी की तरफ से, क्योंकि सारा पैसा तो हम लोगों ने उनको दिया था। खैर सीन क्या है, हम यहाँ पे कैसे आए हैं कैसे नहीं आए, मेरे साथ कौन कौन है, बैठ के सुकून से बताता हूँ। अच्छा यार, अभी हम लोग जस्ट नाश्ता करके बाहर निकले और नाश्ता जस्ट एवरेज था, सही है। अभी हमारे पेट की भूख तो मरी नहीं है, तो हम लोग अभी सामने एक शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग कुछ बिस्किट और कोई बॉटल छोटे लेते हैं, क्योंकि पानी भी वहाँ पे मिनरल वाटर नहीं था। तो इन जगहों पर ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अगर आपका पानी पे दिल नहीं बन रहा तो आप जाके मिनरल वाटर ले लो। टाइम ट्रिप में हमारे साथ जा रहे हैं हसन मोहियुद्दीन। कैसा लग रहा है हसन ट्रिप? और इसके चुस्मानी जरूरी थी। इसके साथ हमारे साथ जा रहे हैं जुनेद, जिसकी रस्ते में बिल्कुल आहो हो चुकी है, मतलब के यार तुम्हें लग रहा है मेरी शक्ल से आई एम डेड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुनेद साहब इस टाइम बिल्कुल हालत खराब है। और हमारे साथ ये भाईजान है, भाईजान नाम बताएं। सुजील नाम है मेरा। बालाकोट से निकल के इस टाइम हम लोग कवाई वाटरफॉल समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरह का नाम है, वहाँ पे आके हम लोगों ने स्टे किया। और यहाँ पे सीन ये है कि इससे आगे जीत जा रही हैं ऊपर सिरिपाए। आई नो दैट मैं सिरिपाए गया हूँ, लेकिन हम लोग, मैं लुकमान भाई लोग के साथ हाइकिंग करके वहाँ पे गए थे, बहुत ही एडवेंचर था, सही है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे कम्फर्ट जोन चल रहा है, ऑनेस्टली वो वाला मज़ा तो नहीं आ रहा, बट स्टिल अब क्या करें, इन्जॉय तो करना है। तो हम यहाँ से करवा रहे हैं जीप और हम लोग ऊपर जा रहे हैं सिरिपाए। डोगर आमीन तो कर लिया, अभी डोगर ने दुआ मांग लिया कि सफर हमारा अच्छा अच्छा गुजरे, घर भी फोन कर ले। सलाम सवाल। हेलो गाइस, आई एम अबव द क्लाउड्स, जोकिंग। इस टाइम आपको मेरे पास जो आसपास थोड़ी धुंध नजर आ रही है, ये कोई धुंध नहीं है, ये सारे क्लाउड्स हैं और हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं पाए पे सिरी पाए। दोस्तों यहाँ पे क्लाउडी में कैसा फील कर रहे हो? वो आपने सुना ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अब अबाउट द वर्ल्ड, क्या चुस्मार। अभी थोड़ी देर पहले ना हमें यहाँ पे पीछे जो आपको सारा व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें माउंटेन्स नजर आ रहे थे क्लियर, और विद इन दो मिनट सारे क्लाउड आ गए और लिटरली हमें यहाँ पे 1% भी विजिबिलिटी नहीं है पीछे माउंटेन्स की। यार देखो, ब्लॉग हम कर रहे हैं और कुछ क्रेजी ना करे ऐसा हो नहीं सकता। क्रेजी यहाँ पे किया है, यहाँ पे टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स, लिटरली ये पहन के हम लोग सिरिपाए पहुंचे हुए हैं। देखो यार, इंसान से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, इस तरह से गलती हुई है। मर्द को दर्द नहीं होता, माना। ठंड लगती है भाई। मेरे स्टैंडर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे फॉर्चुनेटली एक रेड जैकेट मिल गई और मैं हवाओं में हूँ। क्लाउड एट द अपर ऑफ द क्लाउड, इट्स टू क्लाउडी। देखो यार, 15,500 feet की बुलंदी पे आए हो और आके आपने इतने अच्छे मौसम में यहाँ पे पकौड़े नहीं खाए, चाय नहीं पी, तो यहाँ पे आए क्यों ये बताओ। राइट नाउ हम आ चुके हैं नारायण में। नारायण में आते साथ हमें भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि ब्लॉग कर नहीं सका। हम लोग यहाँ पे पास एक मून रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके डिनर मार के हैं, बहुत ही आला किस्म का। खैर सारी थकावट सारी चीज़ें दूर हो गई हैं, अभी हम लोग क्या करने लगे, अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा रेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि मैं कल रात से नहीं सोया, ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए मैं जागा हूँ, सो सोना ज़रूरी है। ये भाईजान हमारे टूर गाइड है, कैसा लग रहा है आपको हमसे मिलके भाईजान? बहुत बुरा। यार हम आपकी बात नहीं मान रहे। नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, आप जैसे जैसे कह रहे कर तो रहे हैं हम लोग, देखो उठ गए हम 7 बजे उठ गए। इस बार आप क्या कह रहे थे, इतना तंग कौन नहीं करता? इतना तंग तो कपल भी नहीं करते जितना आप लोगों ने। वेलकम बैक Day 2। इस टाइम हम लोग यहाँ पे जो साथ मैंने बताया था मून रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आके बैठे हुए नाश्ता करने के लिए। रईस भाई आज हमने कहाँ कहाँ जाना है? आज हमें पहले नाश्ता करना, फिर बाबू सर टॉप लोलो सर चेंज जाना। तो खवातीनों हजरात, नाश्ता हम लोग का आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ नाश्ते में हमें क्या मिला है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑमलेट है, साथ चने हैं और पराठा है। अच्छा ये सारे जो पीछे हैं, सारे हमारे कराची के भाई हैं, सारे वहाँ से आए हुए घूमने के लिए। सबसे पहले ये बताएं टूर कैसा जा रहा है? सही है।
इस टाइम हम दरियाए कुनहार के ऊपर खड़े हैं। हमने बाबूसर टॉप जाना था बट बीच में यहाँ पे स्टे किया क्योंकि जहाँ भी कोई खूबसूरत जगह मिलेगी हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तीन यहाँ पे है कि हम यहाँ पे राफ्टिंग करने लगे हैं क्योंकि रईस भाई ने भी हमें बताया कि आगे कहीं पे बोटिंग और ये वाला सीन नहीं है। सो फटाफट शूज उतार लेते हैं और जैकेट वैकेट पहन लेते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। राफ्टिंग करने के बाद हम लोग आगे आए थे और आगे आके इस टाइम हम लोग खड़े हैं लुलूसर लेक पे। मेरे पीछे आप लोग लुलूसर लेक देख सकते हो, इंतहाई खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर पानी है। आई डोंट नो ये मिथ है या रियलिटी है कि इसके अंदर जिंक होता है थोड़े लेवल पे, जो कि एक्शन तो कोई ना कोई करता ही है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर आके बताना। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ लुलूसर लेक के बिल्कुल आगे और मैं यहाँ पे ये बेसिक बात कर रहा था कि हर से दो से तीन महीने बाद ना आपको एक ट्रिप अरेंज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप डेली अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, अपनी जॉब लाइफ, 9 to 5 जॉब में आप स्टक हो जाते हो, आप इतने कामों में बिजी हो जाते हो कि आप ना मेंटली फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हो। तो अगर हम इसकी हाइट की बात कर लें तो 11,500 feet की बुलंदी पे लुलूसर लेक है, समझ रहे हो, ग्राउंड लेवल से। लुलूसर लेक से आगे हम इस टाइम आ चुके हैं बाबूसर टॉप। जी हाँ, और यहाँ पे आते साथ सबसे पहले क्या काम किया है जुनेद ने, यहाँ पे बार्गेनिंग किया, 50 रुपए यहाँ पे वॉशरूम के हैं। लोगों कितने पैसे दे रहा है? 20 रुपए। मैंने छोटा किया और पानी भी नहीं यूज किया। काम सी तेरा भाईजान, हमारे साथ लाहौर से ये भी दो भाईजान हमारे साथ हैं, मजा आ रहा है, क्या सीन हो रहा है, एक्सप्लेन समथिंग। अभी तो हम आए हैं इधर, हमें तो दोस्तों ने कहा था इधर बहुत ज्यादा सर्दी होगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी सर्दी वाला कोई सीन नहीं है इधर। हाँ ये है कि मौसम बहुत अच्छा है लेकिन वो सर्दी नहीं है कि आपको सर्दी लगे। धूप इतनी है कि हमें सन ब्लॉक लगाना पड़ा वरना फिर काले होके घर जाते, घर वाले ना पहचानते। के पास वो ये पहाड़ों के पीछे आपको जो क्लाउड के पास पास अगर थोड़े से पहाड़ अगर नजर आ रहे हैं, अगर आप गौर करो ये नागा पर्वत है। आपको मैंने मालखोर अपनी पुरानी वीडियोस में तो दिखाए थे, अगर आपने मेरा चित्राल वाला व्लॉग देखा होगा आपको मालखोर बड़े करीब से दिखाते हैं, लेकिन हसन साहब का उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ व्यू है यार, इसको कट करके इधर सनशाइन में रखा हुआ डायरेक्ट, उसको पेन हो रही होगी, पेन हो रही होगी। तो हियर इज द मालखोर, मालखोर एक ही जगह स्टक है क्योंकि इसको मार मार के एक जगह खड़ा किया हुआ है। लेकिन ये देखें इसकी दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, काफी अरसे से यहाँ पे है, आंखें अंदर चली गई है, इसलिए कहते हैं रात को मोबाइल यूज ना किया करो, समझ आई है तुम्हें। बहुत ही हमारा गिद्धों की तरह हमने यहाँ पे बाबूसर टॉप लूर लूर घूमने के बाद हम फाइनली एक जगह आके बैठ गए, थोड़ी सी भूख फील हो रही थी, क्रेविंग हो रही थी, तो यहाँ से हम लोग पकोड़े और साथ नान कहेंगे क्योंकि यहाँ से यही मिलता है, पिज्जा बर्गर तो मिलता नहीं है। मैं हूँ बेयर ग्रिल्स और मैं आज आपको बताऊंगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक बेड़ों में से कैसे जिंदा बच के निकला जा सकता है, कैसे। हमें यहाँ पे सबसे पहले पानी ढूंढना होगा, इसलिए हम अपनी शर्ट उतार के पहले उस पर। रात को हम लोग बाबूसर टॉप से वापस आ गए थे, थके इतने ज्यादा हुए थे कि कोई व्लॉग कोई किसी चीज का सीन नहीं हुआ। रात को हम लोगों ने यहाँ से डिनर किया था, डिनर में बारबेक्यू था और साथ दाल माखनी आई थिंक सो। डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे और इतनी ही कुत्तों वाली नींद आई थी कि सुबह हम लोगों ने जाना था सैफुल मुलूक लेक और हमसे उठा नहीं गया और जो जीप्स आई हुई थी वो चली गई, मतलब जो उठे हुए थे उनको लेके। लास्ट डे एंड नाश्ते में लिया गया हलवा और सच है लॉर्ड सच है बस सही है लोरी जन्नत में भी चले जाए ना जाके क्या बोलेंगे नो 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 लॉर्ड। सो खैर अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, हम लोगों ने जाके वही मून रेस्टोरेंट से नाश्ता किया है। मैं आपको मून रेस्टोरेंट बार बार इस तरह करूँ, आपको कोई स्पॉन्सर्ड कोई इस तरह नहीं है, बस इसका नाश्ता वास्ता अच्छा नराना हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, रीजनेबल प्राइस में अच्छा नाश्ता आपको मिल जाता है। खैर अभी हम लोग वापस ऊपर रूम में जा रहे हैं, सामान पैक करेंगे और निकलेंगे वापसी की तरफ। अच्छा हमारे साथ ना एक शाहजी भी आए हुए हैं जो भाई जान हम लोग को फुल अय्याशी करने में हमें फुल मोटिवेट करते हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो चाले आप मुंडे वास्ते बिस्कुट भी नान खा रहे थे, बुलाओ नु किथे गए शाहजी तो बात करना चाहते हो, वो आ मंगा यार को आया नु जो कुछ कहंदे ने मुंडे खवाया नु, बाकी पैसे रख लो, बाकी पैसे पूरा का कोई मसला कोई नहीं, बादाम तुसी पियोगे खाने ने
जैसे मेरे को दम करा लेना प्राइज कमी कोई आ नहीं देनी बिल्कुल।